बोलो श्वेतवन, भैरव का अंत करने में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? बताओ श्वेतवन, भैरव को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है? असुरराज आंतक, माता के रक्षक, भैरव को हानि पहुंचाना पाप है, अधर्म है, और इस कार्य में मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, चाहे इस कार्य में मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। ओम देवी बहुलाय नमः, ओम देवी बहुलाय नमः। बंद कर ये मंत्र जाप, बता कहाँ है भैरव? देवी बहुलाय नमः। असुरराज, इतनी यातनाओं के पश्चात भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप अपनी तांत्रिक शक्ति से इसे अपने वश में कर लीजिए। उसके पश्चात आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, ये वैसा ही करेगा। नहीं कालवर, ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि तुम दोनों का जन्म एक तांत्रिक क्रिया से हुआ है, इसलिए तुम दोनों पर किसी भी तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। देवी बहुलाय नमः। ऐसी स्थिति में हमें इससे बात मनवाने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। उपाय है गुरुदेव, यदि यातना सहकर भी श्वेतवर्ण भैरव का वध करने के लिए तैयार ना हुआ तो हमें उसकी सात्विकता नष्ट करनी होगी। वो कैसे संभव है गुरुदेव? संभव है, कल अमावस्या है, और कल मैं अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा कालवर्ण का तामसिक रक्त श्वेतवर्ण के शरीर में प्रवेश करवा दूंगा। ऐसा करते ही श्वेतवर्ण की सात्विकता नष्ट हो जाएगी, और वो भी कालवर्ण की भांति तामसिक प्रवृत्ति का असुर बन जाएगा, और उसके पश्चात भैरव की मृत्यु निश्चित है। कल रात के पश्चात ये मेरे हर आदेश का पालन करेगा, किंतु उससे पहले हमें इसे बंदी बनाकर एक ऐसे स्थान पर रखना होगा जहां पर ना तो वो भैरव और ना ही कोई देवता इसे खोज पाए। भेरु भैरव, वो दुष्ट आंतिक श्वेत वर्ण को अपने साथ लेकर तुम्हारा वध करना चाहता है, और श्वेत वर्ण को ऐसा करने के लिए बाध्य करने हेतु वो उसे असहनीय यातनाएं भी दे रहा है। माता, मुझे अभी जाकर श्वेत वर्ण को बचाना होगा। आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि आंतिक ने उसे कहां बंदी बना के रखा है।